शुरुआत हो चुकी है। आज बांदा चित्रकूट की बात करें तो पांचवें चरण का यहां पर चुनाव है और मतदान शुरू हो चुका है। आपको दिखा दें, मतदाता बड़ी खुशी के साथ लाइन में लगे हुए हैं, जो अपने मतदान का मत का प्रयोग करने आए हुए हैं। यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपने वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिए। किस किस मुद्दे पे वोटिंग किया? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे? विकास के। और विकास विकास का मुद्दा ही लेकर आए थे मतदान करने के लिए? विकास के मुद्दे लेकर आए थे। चलिए देखिए, कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। यही विचार में तो हम भी आए हैं कि जो कि कुछ हमारे एक पक्ष का कुछ काम करे, कुछ वो करे, तो उसका हम मतदान करें। बदलाव चाहते हैं क्या? क्या बदलाव चाहते हैं? हम वो चाहते हैं कि हमारा विकास होना चाहिए। विकास के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। हा? क्या नाम भैया आपका? कंदी। मतदान करने आए? किस मुद्दे पर मतदान? यही विकास करने के लिए आए मतदान। देश का विकास चाहिए? हाँ, देश का विकास। ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जो अपने मतों का प्रयोग करने आए हैं। आज ये पांचवें चरण में लगभग 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। मतदाता हैं, इनमें खुशी की लहर दिखाई दे रही है। मतदान करने के लिए आए हैं, देश का विकास चाहते हैं। अखिलेश त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, बांदा। तो देखिए, पांचवें चरण का मतदान लगातार जारी है और सीएम के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह ने वोट की अपील की, साथ ही बीजेपी की जीत का दावा भी किया। पहले घर से निकले, मतदान करें, फिर जाकर जलपान करें और वोट करते समय देश में शांति, सुरक्षा और विकास के मुद्दे को ध्यान में रखें। ट्रैक रिकॉर्ड देखें सरकार का कि उन्होंने जो काम किया है और उसके आधार पर निश्चित तौर पर उन्हें वोट करें। रायबरेली में भी दिग्गजों की साख दांव पर है। जनता की पूरी नजर रायबरेली सीट पर है और यहां से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं। हमारे संवाददाता ने, बेरोजगारी रही है मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा एक एजुकेटेड पर्सन को देश में भी लाने का और हमारे शहर में भी लाने का। और ये जुमले और ये फालतू की बातें और लोगों को मतलब एक ना, हमारी देखिए जनता इंडिया की बहुत सीधी है, बहुत ज्यादा कोई चीजों में जाती नहीं, तो उनको भावनात्मक रूप में जो है ब्लैकमेल करने और गलत तरीके से मतलब चीजों को इम्प्लीमेंट करने का। तो मुझे ये लगता है कि एक एजुकेटेड पर्सन आएगा तो सही से काम करेगा, सही से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे कांग्रेस के अलावा यहाँ पर किसी ने कुछ किया नहीं अभी तक, तो वैसे नैतिकता के आधार पे जो है कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। अरे वाह, क्या मुद्दे रहे इस बार? वही विकास का मुद्दा। क्या लगता है, रायबरेली विकास नहीं हुआ? रायबरेली में तो पहले कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने मोदी और योगी के बेस पे वोट किया। अच्छा अच्छा जी। दादी, क्या रहा, बहुत सारे चुनाव आपने देखे, इस बार वोट डालने आए, क्या दिमाग में था? बस विकास भैया, देश का सुरक्षा, विकास। मतदाता पोलिंग बूथ एसजीएस पर जिस तरीके से सुबह से ही यहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग क्योंकि धूप बहुत तेज हो जाती है दिन में, इसलिए बुजुर्गों की तादाद ज्यादा देखने को मिल रही है जो यहाँ सुबह सुबह आज मतदान कर रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को रायबरेली में क्या परिणाम आता है। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। और झांसी से बड़ी खबर, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार किया है। गांव की सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ने की मांग है। तो पूंछ थाना क्षेत्र के उजियारपुरा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, झांसी से जहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, तो अपनी मांगों को लेकर चुनाव का बहिष्कार, गांव की सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ने की मांग लगातार ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन इस मांग पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई, इसका कोई हल नहीं किया गया, तो अब चुनाव बहिष्कार कर अपना विरोध लोगों की तरफ से दर्ज कराया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में कौशाम्बी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कुंडा तहसील में लोग मतदान कर रहे हैं। वहां से हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव में पांचवें चरण के मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील के एक पोलिंग स्टेशन पर और बेहद रोचक होगा, बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि इस बार चूंकि राजा भैया की पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है तो तस्वीर क्या होती है। कौशाम्बी लोकसभा सीट की अगर 2019 चुनाव की बात करें
तो राजा भैया के जो प्रत्याशी थे शैलेंद्र कुमार, उनको 1,75,000 वोट मिले थे, जबकि जो बीजेपी के विनोद सोनकर सांसद हुए थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज को महज 40,000 वोटों से हराया था। तो जो 1,75,000 वोट जो राजा भैया की पार्टी को मिला था वो किधर जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और जब इसका परिणाम आएगा तो तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर कौशाम्बी लोकसभा सीट में दिखाई दे रही है वो बेहद दिलचस्प है, और परिणाम जो है निश्चित तौर पर किस तरह का आता है ये लोग जो है जो मतदान कर रहे हैं वो तय करेंगे। लेकिन राजा भैया की अपील का कितना असर होता है, राजा भैया ने किसी भी पार्टी के समर्थन में अपील नहीं की, उन्होंने कहा है कि जो लोग जहां चाहें स्वेच्छा से मतदान कर सकते हैं, तो राजा भैया की पार्टी के न होने से, चुनाव मैदान में न होने से इस लोकसभा चुनाव की क्या तस्वीर होती है वो देखना दिलचस्प होगा। प्रतापगढ़ कुंडा से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। लोकसभा के दो विधानसभा क्षेत्र कुंडा और बाबागंज में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत हीरागंज के एक आदर्श बूथ पर है, जहां मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहां पर सुबह से ही जो मतदाता हैं वह आ गए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतारों में लगे हैं। युवाओं में जमकर उत्साह भी है वोटिंग को लेकर, खास तौर पर महिलाएं जो है यहाँ पर सुबह से ही पहुंच गई हैं और वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वह भी मतदान देने के लिए सुबह से यहाँ पहुंचे हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा किस तरीके से प्रतापगढ़ जिले में वोटिंग को लेकर उत्साह है और यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि कुंडा और बाबागंज की जो विधानसभा क्षेत्र है यह राजा भैया के प्रभाव वाली क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर वोटिंग के लिए लगातार जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बूथों पर जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसपी सतपाल अंतिल ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस दो विधानसभा के कुल 400 से अधिक ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के साथ निगरानी भी की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इनमें उत्साह है। क्या नाम माता जी? क्या नाम है? प्रेमा देवी। अच्छा, वोट देने आई हैं? हाँ। अभी इंतजार कर रही हैं? हाँ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश, यहाँ बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं काफी, ये भी इंतजार कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? श्रीपाल। अच्छा, क्या वोटिंग करने आए हैं जी? किस मुद्दे पे लेकर वोट कर रहे हैं? इस बार कैसी सरकार चाहिए? अच्छी सरकार चाहिए। हाँ। तो कुल मिलाकर सुबह से ही यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई और लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और लगातार यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ भी एकत्रित है, लोग अपने अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। ब्रिजेश मिश, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़। और कौशाम्बी में भी सुबह से मतदान जारी है। सुबह से लोग लंबी लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ लोगों का कहना था आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशाम्बी डीएम राजेश राय जी मौजूद हैं। ये इनसे समझते हैं किस तरीके से ये पूरी तैयारी की कवायद में जुटे हुए हैं, किस तरीके से चुनाव ये निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाएंगे। आपका स्वागत है बहुत बहुत। किस तरीके से लग रहा है कल आप चुनाव करवा रहे हैं, पूरी पार्टियां लगा रहे हैं? 1277 पोलिंग पार्टियां करवा दी हैं, लगभग 1000 पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जो शेष बची हैं वो भी 1.5 घंटे में हम रवाना कर लेंगे और मतदेय स्थलों पर सभी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध है। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग संपन्न कराएंगे। सभी मतदेय स्थलों पर टेंट की व्यवस्था रखी है, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है, बिजली, पानी, शौचालय, ये सभी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जो आंगनवाड़ी सीट्स हैं वो भी रहेंगे वहाँ पे, कुर्सियों के लिए भी हैं कि 10-15 मतदाताओं के बाद एक एक कुर्सियों का कुछ प्रबंध इस तरह से रखा जाए कि अगर कोई 1-2 मिनट के लिए उसको बैठना चाहे तो बैठ के काम कर सके। हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव निष्पक्ष होता है। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशाम्बी डीएम थे, जो दावा कर रहे हैं कि कल चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से हम संपन्न करेंगे और सारी व्यवस्थाएं मतदेय स्थल से लेकर के पोलिंग स्थल तक पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मानसिंह के साथ नरेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी।